हेलो दोस्तों, मैं महेश बंसल, सीईओ ओम कमल स्टील प्राइवेट लिमिटेड। आज के हमारे टेक शो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चेन लिंक वायर फेंसिंग। चेन लिंक तार क्या है? आमतौर पर हम खेतों के बाजू से जब भी गुजरेंगे तो एक डायमंड शेप की जाली, बुनी हुई जाली, आपस में जो तार है वो स्पाइरल शेप में बन के और आपस में गुथे हुए रहते हैं और डायमंड शेप में काफी सुंदर दिखती है, उसे चेन लिंक जाली कहा जाता है। चेन लिंक का जो साइज है वो बहुत वेरी करते हैं, जैसे कि गैप्स के मामले में, साइज के मामले में और हाइट के मामले में। सबकी डिमांड अलग अलग रहती है। कोई किसी को 4 फुट चाहिए, किसी को 5 फुट चाहिए, 6 फुट चाहिए, अलग अलग जो वो क्रॉप उगा रहा है और किस तरह की क्रॉप है, महंगी क्रॉप है, एक एवरेज क्रॉप है, उस हिसाब से वो अपनी चेन लिंक को डिसाइड करते हैं या उसको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए। तो उसके लिए जो प्रकार है उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे ये जो आपके सामने जाली दिख रही है तो 4 इंची बोलते हैं, ये कैसे नापेंगे? जब जाली है इससे इसका गैप जो है, इससे इसका गैप 4 इंची गैप होता है और हाइट जो भी आप लेंगे उसके अनुसार इसकी हाइट हो जाती है। वैसे ही फिर जैसे ये आप देखेंगे कम गैप में है, ये 3 इंची की जाली है, इसमें जो गैप है यहाँ से यहाँ का ये 3 इंची है। उसी प्रकार से जैसे हमारे सामने ये जो है ये 2 इंची की जाली है, इसमें जो यहाँ से यहाँ का जो गैप है ये 2 इंची है। तो इसलिए 2 इंची की जाली और आपको हाइट क्या चाहिए उस हिसाब से हाइट हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे को जो देखना रहता है वो गेज ऑफ वायर, क्या हमें गेज चाहिए जाली। जैसे 8 गेज, 10 गेज, 11 गेज, 12 गेज की जालियाँ सबसे ज़्यादा चलती हैं। 8 गेज का जो तार है वो मोटा होता है और जनरली गवर्नमेंट फेंसिंग या बॉर्डर फेंसिंग वगैरह में यूज़ होता है, और जो नॉर्मली जो ज़्यादातर खेतों में यूज़ होती है वो 10 गेज और 11 गेज की यूज़ होती है, और काफ़ी कुछ एरियाज़ में 12 गेज की भी यूज़ होती है। 12 गेज की थोड़ी पतली होती है और 10 गेज की थोड़ी मोटी होती है। वो आदमी अपने जो बजट के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार कितनी स्ट्रेंथ चाहिए उसके अनुसार उसका चयन कर सकते हैं। कॉमर्शियल यूज में ये खेतों में यूज होता है, बॉर्डर्स में भी यूज होता है, आपका फैक्ट्रीज में, अदर और भी जहां जहां फेंसिंग, जहां जहां बाउंड्री करना रहता है, और एक सस्ते विकल्प के रूप में चेन लिंक का पूरा उपयोग होता है। और इसके अलावा घर में भी जो है, जो आजकल घर के बाहर भी थोड़ा सा सुंदर लगे, आज पारदर्शिता दिखे, गार्डन के लिए, गार्डन में यूज़ करने लग गए हैं आजकल चेन लिंक और काफ़ी सुंदर दिखती है। आजकल घरों में साथ ही साथ पीवीसी कोटेड की जाली भी यूज़ करने लग गए हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिखती है, हरे कलर, ब्लू कलर्स में आती है और उसको आजकल यूज़ करने लग गए हैं। चेन लिंक खरीदने से पहले हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता है कि कौन सी चेन लिंक खरीदें, कौन से गेज की खरीदें, किस हाइट की खरीदें और कौन सा गैप और गैप कितना रखें। तो गैप के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भाई जितना गैप कम होगा उतना वायर का वजन बढ़ेगा, जितना गेज मोटा होगा, जितना वायर मोटा होगा उससे वजन बढ़ेगा, और हाइट आपको कितनी चाहिए वो आपके हिसाब से, आपको 4 फीट चाहिए, 5 फीट चाहिए, 6 फीट में चाहिए, कई जगह पे 4 फीट में भी काम चल जाता है। तो उसके अनुसार आपको इसका बजट के अनुसार और आपका पर्पस क्या है उसके अनुसार आपको जाली का चयन करना रहता है। तो इसमें बेसिकली 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। एक तो आप वायर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। चेन लिंक में अगर आपका जो आसपास का वातावरण सूखा है और ड्राई एरिया है तो आप कम कोटिंग की भी चेन लिंक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास जो है आप समुद्री एरिया के आसपास रहते हैं या आपके एरिया में नमी बहुत है तो आपको ज़्यादा कोटिंग की चेन लिंक यूज़ करनी चाहिए, जिसमें जिसके वायर पर कोटिंग ज़्यादा हो वैसा वायर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो गैप है वो आपको डिसाइड करना रहता है। अगर आपके आसपास जो जानवर हैं वो छोटे हैं और फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उस आपकी उस तरीके की फसल है कि जो छोटे छोटे जानवर हैं वो अंदर घुसकर आपकी फसल को नुकसान कर रहे हैं तो आपको जाली का गैप कम रखना पड़ता है। और बाकी जो है हाइट आपको आपके अनुसार की भी, आपके आसपास अगर आपको 6 फुट, 5 फुट, जनरली जो सबसे ज़्यादा जो हाइट चलती है, जो एवरेज हाइट है वो 5 फुट होती है कहीं, और 4 फुट भी बहुत मात्रा में चलती है।
इसके साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि आप उसके साथ में सपोर्ट क्या दे रहे हैं, एंगल का दे रहे हैं, कितना मजबूत एंगल है या कितना मजबूत पोल है। सीमेंट के जो पोल्स होते हैं वो काफ़ी समय से ट्रेडिशनली यूज़ होते आ रहे हैं, आजकल एंगल का चलन बढ़ रहा है, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि भैया आपको कितने साल की लगानी है फेंसिंग, कितने साल आपको चलना चाहिए। अगर आप सपोर्ट हल्का कर देंगे और तार अच्छा यूज़ कर लेंगे तो भी वो नहीं चलेगा, क्योंकि सपोर्ट गिर जाएगा फिर तार एंड बेंड हो जाएगा, तो वो आपको पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और वहीं उसी के अपोजिट में अगर आप सपोर्ट तार हल्का कर देंगे और सपोर्ट मजबूत कर देंगे तो तार पहले चल देगा। तो आपको कितने 5 साल जो भी आपके दिमाग में एक प्लान है, 3 साल 5 साल 7 साल या 10 साल मेरी चेनिंग जो फेंसिंग है वो चलनी चाहिए, उसके अनुसार आप उसके सपोर्ट सीमेंट पोल या जो लोहे का एंगल या और भी जो उसके अलावा आप कुछ सपोर्ट देना चाह रहे हैं तो उसी के अनुसार आप चेनिंग के लिए जो तार यूज़ होना है वो भी आप उसी प्रकार चयन करें। करता हूँ कि आगे आप कभी भी चेनिंग खरीदने जाएंगे तो आज जो जानकारी आपको मिली वो आपके काम आएगी। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।